इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार पिछले कुछ महीनों में ये देखा गया है, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता का अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके। तीव्रता का स्तर अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन आ रही एक बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के झटके की खबर है। अलग अलग हिस्सों से ये जानकारी आ रही है कि भूकंप के इस वक्त हमारे सहयोगी रोहित विश्वकर्मा टेलीफोन लाइन पर है ज्यादा जानकारी के साथ। जी रोहित, क्या जानकारी है? कि अभी हमने सिस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पता लगाने की कोशिश की है कि अभी इस वक्त इसकी क्षमता कितनी थी, तीव्रता कितनी थी, उनकी जानकारी अभी तक हमारे पास पहुंची नहीं है। लेकिन फिलहाल इतना जो हमें पता चला है कि दिल्ली के कई इलाकों में इसे महसूस किया गया है। कुछ इलाकों में तीव्रता ज्यादा महसूस की गई है, लेकिन अभी इसके पूरे आकलन हमारे पास आना बाकी है। सबसे बड़ी चीज ये कि शाम को करीब करीब जब दफ्तर बंद होने का वक्त हो चला है और जिस वक्त इस समय सभी लोग अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, उस वक्त ये हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ये जो ट्रिमर है, क्या इसका असर किसी तरीके से उन चीजों पड़ा जो यातायात से जुड़े हुए हैं। और अभी जो भी खबर आ रही है, फिलहाल दिल्ली से कुछ जगहों से हमें फोन करके भी रिस्पॉन्स मिले हैं, जिसमें पता चला है कि वाकई झटके जो है उन लोगों ने महसूस किए। निचले स्तर पर, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर के स्तर पर बैठे हुए लोग हैं, उनको शायद कम महसूस हुआ हो, लेकिन ज्यादातर ऊंचाई पर बैठे तीन फ्लोर से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको ये महसूस होते हैं। ये दरअसल इसकी क्षमता जो थी, ये फिलहाल इसका आकलन एक हल्का भूकंप कहा जा सकता है, हल्की क्षमता का भूकंप था, क्योंकि इसके झटके बहुत तेज नहीं थे फिलहाल अब तक जो पता लग पाया है। अधिक जानकारी के लिए थोड़ी देर में हम सिस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इस पर संपर्क कर रहे हैं, जो हमें पूरी जानकारी दे के बताएंगे कि इसमें झटके कितने तीव्रता के थे। रोहित, ये सिस्मिक जोन 4 में आता है, तो क्या ये वजह है कि इसी के कारण हल्के झटके गाहे बगाहे महसूस किए जाते हैं? रोहित से हमारा संपर्क टूट गया है। इस बीच हमारे संवाददाता सब्यसाची ज्यादा जानकारी के साथ हैं। सब्यसाची, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, ये ट्रेमर्स जो फेल किए गए हैं दिल्ली के कई इलाकों में, और जहां पे ऊंची बिल्डिंग है वहां पे जो टॉप फ्लोर में रहते हैं वहां पे ज्यादातर फील हुआ है। और जो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से अभी फुल डिटेल्स नहीं निकला है कि कितना ट्रेमर की कितनी पोटेंशियलिटी थी और कितने फोर्स के साथ वो दिल्ली के कई कई इलाकों में ये फील किया गया है भूकंप हुआ। अभी तक फिलहाल मेट डिपार्टमेंट से डिटेल आया नहीं, बट कई जो जगहें हैं दिल्ली में वहां पे लोगों ने फील किया है ये ट्रेमर। और ये जो ऊंची बिल्डिंग रहते हैं तो उनके टॉप फ्लोर्स में जो है लोग हैं उन्होंने ज्यादातर ये फील किया है। ग्राउंड में ये इतना नहीं हुआ है, बट मेट डिपार्टमेंट की तरफ से अभी सब मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो बुलेटिन निकलेगा कि कितना ट्रेमर का कितना फोर्स था जिससे ये भूकंप की स्पीड थी और कितने फोर्स से ये ट्रेमर है उसकी डिटेल अभी निकली नहीं है। फिलहाल मेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये डिटेल निकलने की लोग वेट कर रहे हैं। जी सब्यसाची, आप नजर बनाए रखें। हमें जानकारी है कि कल गुजरात में भी 4.3 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके के बाद लोग घरों से बाहर निकले हैं। घरों से बाहर आने की जानकारी मिल रही है। ये वक्त तब होता है जब भीड़ ज्यादा होती है, चाहे आप मेट्रो की बात करें, सड़कों की बात करें। इसके साथ साथ जो जानकारी लगातार आ रही है, दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तराखंड और नेपाल के भी कई हिस्सों में भूकंप के झटकों की जानकारी आ रही है।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अलग अलग हिस्सों में दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तराखंड और नेपाल में भी भूकंप के झटकों की जानकारी आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हां, लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। ये वक्त तब होता है जब दफ्तर से बाहर निकलकर लोग अपने अपने घरों की ओर जाते हैं। मेट्रो हो, बसेस हो, इस तरह की आप जब देख सकते हैं कि भीड़ भड़क्का बढ़ जाता है सड़कों पर और मेट्रो में। इसके बाद लोग घरों से बाहर आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश। हल्के झटकों के बाद दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस। फिर एक बार ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी रोहित के पास चलते हैं। जी रोहित, मेरा सवाल है, ये सिस्मिक जोन 4 में आता है और ये नेपाल की जो खबर आई थी वो ये है कि दरअसल दोपहर 1:30 में 10 किलोमीटर की गहराई में वहां पर एक भूकंप आया था, लेकिन उसका संबंध अभी तक फिलहाल दिल्ली के भूकंप से है या नहीं ये स्थापित नहीं हो पाया है। इसीलिए अभी हमको कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल गाजियाबाद से भी भूकंप के झटके महसूस होने की खबर आई है। यानी दिल्ली एनसीआर में जो हम बात कर रहे हैं तो वहां से खबर आ चुकी है। नोएडा से अभी तक नहीं आई थी, लेकिन अभी नोएडा से भी हमारे कुछ जो बॉर्डर के इलाके वहां से पता चला है कि अर्थक्वेक के जो कंपन है उसे महसूस किया गया है। अधिक जानकारी की भी फिलहाल प्रतीक्षा है, लेकिन अभी एक और जो अपडेट आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के अलावा दूसरे इलाके भी उत्तर भारत के जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक फिलहाल दिल्ली में इसकी तीव्रता उतनी तेज तो नहीं थी, लेकिन बाकी इलाकों में कितनी है इसका फिलहाल देखा जा रहा है। बताया जा रहा है, अपडेट आई है कि नेपाल सीमा के करीब इस भूकंप का केंद्र हो सकता है। नेपाल सीमा के करीब इसका केंद्र होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। फिलहाल इसकी औपचारिक ऐलान नहीं किया है मौसम विभाग ने। एपी सेंटर जो बताया गया है इंडो नेपाल बॉर्डर के पास बताया गया है, और जो मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है अभी पहली जो पुष्टि खबर आ रही है उसके मुताबिक 5.1 का भूकंप बताया जा रहा है, जो एपी सेंटर भारत नेपाल बॉर्डर के पास का कोई इलाका है जिसको भी पुष्टि करनी बाकी है। जी रोहित, जानकारी आ रही है कि ये दिल्ली एनसीआर के अलावा लखनऊ तक इसके झटके महसूस किए गए हैं। जी करीब करीब पूरे ही उत्तर भारत का इलाका जो अक्सर आपने देखा होगा, दिल्ली के पास भूकंप जब महसूस होता है तो उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूपी के इलाके इसमें अपने आप आ जाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो जाहिर था कि उत्तर तक वहां तक जाएगा, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही कि नेपाल, आमतौर पर आपने देखा होगा हिंदुकुश की पर्वतमाला के पास से अगर भूकंप आता है तो उसके झटके पाकिस्तान होते हुए दिल्ली तक आते हैं। इस बार ये अभी जो नेपाल में से आया है, आप याद होगा नेपाल में बहुत तीव्र भूकंप आया था कुछ साल पहले, इस वक्त भी ये भारत नेपाल बॉर्डर के आसपास से बताया जा रहा है। क्षेत्र कौन सा था ये अभी देखना बाकी है कि क्या इसकी पुष्टि क्या करता है मौसम विभाग। जी रोहित, तीव्रता की कोई जानकारी लग पाई है? रोहित से हमारा संपर्क टूट गया है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस होने की जानकारी। उत्तराखंड भारत नेपाल सीमा के पास हो सकता है भूकंप का केंद्र। भूकंप से जुड़ी हुई लगातार जानकारी हम आपको देते रहेंगे, ताजा अपडेट के साथ ये जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।